हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। कॉन्ग्रुएंसी का स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है जिसे कंप्लीट करना है आपको। हमें दो डायग्राम्स दी है और उनके ऊपर ये स्टेटमेंट को हमें इनकम्प्लीट दिया है जिसे कंप्लीट करना है। तो पहली डायग्राम ये दी है जिसमें दो ट्रायंगल्स को कंपेयर किया है और उसकी जो सेम साइड्स हैं या सेम एंगल्स हैं उन्हें भी हमें बताया गया है या सेम पार्ट्स को बताया गया है। जैसे टी ए लाइन जो है या साइड जो है वो ए सी के बराबर है, वहीं अगर ए टी बी की बात करें तो बी सी के बराबर है, और एंगल जो है बी ये दोनों में कॉमन भी है। तो इस तरह से, और एंगल ए हमें क्या बोला है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ट्रायंगल बी सी ए किसके बराबर होगा। अब देखिए, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था कि हम अगर एक एक चीज़ की बात करें तो एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल बी के ही होगा क्योंकि यहाँ पर बी कॉमन है, राइट। उसके बाद एंगल सी की बात करेंगे, मतलब एंगल सी ये वाला है तो ये डेफिनेटली इसके सामने वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल बी है, ये 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली यहाँ भी 90 डिग्री फॉर्म हो रहा होगा। और ट्रायंगल की सम हमेशा 180 होती है। अगर 180 में से 90 और ये जो भी एंगल है वो माइनस करेंगे तो हमें सी मिलेगा। यहाँ भी वही चीज़ है कि ये 90 डिग्री और ये एंगल माइनस करेंगे तो टी मिलेगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल टी, और एंगल ए के बराबर में हमारा आ जाएगा एंगल ए, क्योंकि एंगल ए दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पर आएगा ट्रायंगल बी टी ए, राइट। इस तरह से हमारा ये पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। सेकंड में देखिए आप, क्यू आर एस, राइट। तो क्यू एंगल ये है, आर ये है, एस ये है, तो हम इनके बराबर के एंगल्स को देखेंगे। क्यू के बराबर में क्यू एंगल ये वाला है, इसके साथ एक सिंगल एंगल एंगल टी है, ये सिंगल लाइन है, मतलब इसके बराबर में सिंगल लाइन वाला एंगल होगा, मतलब एंगल टी। आर के बराबर में देखेंगे, आर के बराबर में डबल लाइन वाला है, ये डबल लाइन वाला पी है, तो ये है एंगल पी। और लास्ट में हमारे पास में है एस, एस के लिए कोई साइन नहीं है, मतलब ये जो होगा मेजरमेंट वही हमारा ये वाला एंगल का मेजरमेंट भी होगा, जिसे हम एंगल क्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि क्यू जो है हम इसे माने या फिर यहाँ माने, तो ये जो है हम इसको क्यू ही मानेंगे, तो एंगल क्यू हम इसे ले लेंगे, राइट। तो अगर हम इन तीनों, इस ट्रायंगल की बात करें तो पी क्यू टी है, इस ट्रायंगल की बात करें तो क्यू आर एस है, तो यहाँ पर ये आएगा ट्रायंगल टी पी क्यू, जो हमारे क्यू आर एस के बराबर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमने यहाँ कंप्लीट किया है। फॉर द क्वेश्चंस को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।